जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में बहुत स्वागत है आपका और बहुत ही आभार है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि शनि करेगा परेशान। आपकी कुंडली में आपको पता नहीं है कि हमें अभी कौन सी महादशा चल रही है, शनि की महादशा चल रही है या अंतरदशा किसकी चल रही है। हमें आमतौर पर पता नहीं होता है, और जिनको पता है बहुत अच्छी बात है। तो ये आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में और इन हालातों में शनि से संबंधित जो भी नेगेटिविटी है, जो हमें शायद पहले तो हालात ख़राब हैं ये जो ओवरऑल चल रहे हैं, और इसमें अगर शनि जो है वो आपको डिस्टर्ब करेगा तो तकलीफें और बढ़ सकती हैं। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं उपाय की भी बात करूँगा और इसमें आपको हल भी बताऊँगा। बस शर्त यह है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, तभी आपको सही जानकारी मिल पाएगी। अब बीच में छोड़कर फिर कमेंट्स करते हैं तो उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। उससे पहले एक निवेदन है कि चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल लिखें। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर चल रहा है, आप सीधे वहाँ से मुझे अपॉइंटमेंट लेकर बात आप कर सकते हैं। जो भी आपकी तकलीफ परेशानी है उसको लेकर आप बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दें, वहाँ से आपको अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। शनि जो है आमतौर पर आपके आसपास, इर्द गिर्द, आप स्वयं भी इस चीज़ को जज किया होगा कि जो सामान्य जीवन चलता रहता है उन सब चीज़ों को लेकर चले जाता है। मतलब जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं उनका क्षरण वो कर देता है, अगर वो नेगेटिव है तो। और आमतौर पर हमारी आदतें जो है वो शनि को बहुत इम्पेक्ट करती है, जैसे झूठ बोलना, धोखा धोखा धड़ी, माहौल ही ऐसा हो जाता है। मतलब आपके साथ सिचुएशन ही ऐसी हो जाती है कि आपको ऐसे कदम उठाना पड़ते हैं। तो एक पूरा फरेब और एक पूरा ऐसी जालसाजी होती है जिसको आप समझ नहीं पाते हैं, और दिमाग जो है, मस्तिष्क जो है, वो एक अलग ही वे में चले जाता है इन सब चीज़ों को लेकर। सच, आप कितने बुद्धिजीवी हो, पढ़े लिखे हो, सब कुछ है, लेकिन एक अलग वे में चले जाता है। तो इससे सावधानी हमें कैसे बरतना है और इससे कैसे बाहर निकलना है, और इसकी जो भी परेशानियां हैं उससे कम से कम हमें उसकी परेशानी झेलना पड़े, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जिन उपायों को फॉलो करने के बाद मुझे लगता है कि शनि जो आने वाले समय में जब भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, और अगर अभी किसी परेशानी से आप जूझ रहे होंगे तो इन उपायों को करके भी शायद उससे बाहर आ सकते हैं। क्योंकि आपने अपना कुंडली का अध्ययन नहीं करवाया है तो इसलिए इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा आप सजग रहे। तो सबसे पहली बात है जो सबको मैं कहता भी हूँ कि आप हनुमान चालीसा का पाठ रेगुलर करें, सुबह और शाम दो वक्त। उससे बहुत ज़्यादा आपको फायदा रहेगा, बहुत ज़्यादा। दूसरी बात है कि शनि मंदिर जो जाते हैं, शनि की दृष्टि हमेशा नीचे रहती है, और बहुत सारे मंदिरों में एकदम सामने दृष्टि दिखाई देती है। बहुत से मैंने मंदिर देखे हैं, मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन शनि की दृष्टि हम पर नहीं होनी चाहिए, उनकी दृष्टि नीचे ही होनी चाहिए। वो दृष्टि भी तकलीफ दे विषय है। मूर्ति शास्त्र और ये सभी चीज़ें इस विषय को लेकर इंगित करते हैं। तो अगर आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दें तो इस विषय को, क्या आप अगर इसे किसी आसपास के मंदिर में जाते हैं तो थोड़ा सा विषय को ध्यान दें। तीसरी बात है कि जब भी शनि संबंधित शिकायत आपको चल रही है या इन चीज़ों से आप जूझ रहे हैं, तो लोहा, चांदी, लोहा खासकर, इसको अगर शरीर में पहने हैं, अंगूठी लोहे की पहन लेते हैं, कई बार लोग लोहे के बहुत से सामान होते हैं, कोई आर्टिफिशियल चीज़ें पहन लेते हैं, उन सभी चीज़ों को आपको उतार देना चाहिए, क्योंकि तो वो एक नेगेटिव इम्पेक्ट आप पर कर सकते हैं। रत्नों से दूरी बना के रखना चाहिए। बहुत से लोग रत्न सजेशन कर लेते हैं, आप शनि का रत्न पहन लीजिए, लेकिन मैं सजेशन ये देना चाहूँगा कि आप रत्नों से दूरी बना के रखें इस दरमियान, और वो जितना हो सके उतना हनुमान जी की सेवा करें। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा और आपको इन परेशानियों से बाहर जल्द से जल्द निकाल देगा। तो ये परेशानी जो है आने वाले दौर में आपको देख सकते हैं, इसलिए इन उपायों को करने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि आप धीरे 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 बाहर आ जाएंगे। मुझे नहीं पता आपको ये जानकारी कैसे लगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ दो चार पाँच व्हाट्सएप ग्रुप में इसे शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट्स में लिखें जय श्री महाकाल।